वहीं महाराष्ट्र में दही हांडी पर मचे घमासान के बीच केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे और बीजेपी विधायक नीतेश राणे ने शिवसेना विधायक भास्कर जाधव के बेटे विक्रांत जाधव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया। नीतेश राणे की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो में विक्रांत जाधव एक मंदिर में पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो जारी करते हुए नीतेश राणे ने सवाल उठाया कि आम जनता के लिए मंदिर बंद और नेताओं के बेटों के लिए मंदिर खुले कैसे? सत्ते में बैठी हुई शिवसेना के विधायक के लड़के जाके अगर मंदिर खुला करके अगर पूजा कर रहे होंगे तो फिर आम लोगों के ऊपर ये बहुत बड़ा अन्याय महाराष्ट्र सरकार कर रही है। इस अन्याय के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी के तरफ हम तीव्र आंदोलन आने वाले समय में करने वाले। और अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, जो वीडियो जारी किया गया है नीतेश राणे द्वारा, जिसमें जो विक्रांत जाधव हैं वो पूजा पाठ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कितनी सच्चाई है इस वीडियो की, क्या सच्चाई है? देखिए, वीडियो शेयर किया गया है सोशल मीडिया पर और ये शेयर किया है खुद नीतेश राणे ने, और जिस तरीके से कोविड के प्रोटोकॉल का हवाला देकर पिछले दिनों नारायण राणे को कहीं ना कहीं उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया और उसके बाद एक सियासी घमासान हुआ महाराष्ट्र में, उसके बाद इस तरीके का वीडियो जो जारी हुआ है। अब हालांकि ये पुख्ता अभी तक ये नहीं तय हो पाया है कि क्या ये अभी हाल का वीडियो है या फिर आगे कभी का वीडियो है, क्योंकि इसकी सच्चाई तो नीतेश राणे या खुद भास्कर जाधव या उनके बेटे बता सकते हैं कि एग्जैक्ट वो वीडियो कब का है। लेकिन अगर इस तरीके का वीडियो शेयर हुआ है तो निश्चित तौर पर महाराष्ट्र में एक सवाल तो सरकार के ऊपर बनता है कि लगातार सरकार कह रही है कि मंदिर में जाने की बजाय घर पर पूजा पाठ करें और घर पर ही रहें, तो ऐसे में अगर किसी विधायक के बेटे और ख़ास करके भास्कर जाधव उस समय काफ़ी चर्चा में थे जब ये इनके साथ बीजेपी के लोगों का हाल में विधानसभा के भीतर झगड़ा हुआ और उसमें 18 बीजेपी विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया, उसके बाद से भास्कर जाधव काफ़ी चर्चा में रहे हैं और उनके बेटे के द्वारा अगर इस तरीके से कोविड की गाइडलाइन का उल्लंघन किया जाएगा तो निश्चित तौर पर सवाल महाराष्ट्र की जनता भी पूछेगी। लेकिन इस वीडियो की सच्चाई को लेकर अभी हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये वीडियो कब का है और किस मंदिर से निकाला गया है, जब तक ये सारी चीज़ें सामने नहीं आ जाएगी और खुद भास्कर जाधव की तरफ से सफाई नहीं आती है, तब तक इस पर क्या पाना जी अभिषेक, यानी कि इसकी सच्चाई, असल सच्चाई जो है वीडियो आखिर कब का है, ये इसकी कोई पुष्ट जानकारी नहीं है। और नीतेश राणे या फिर जाधव ही बता सकते हैं कि आखिर इस वीडियो में कितनी सच्चाई है और